एक कार है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे जा रही है, ठीक है, रेडियस है जिसका आर, और इस बार जो है वो स्पीड भी बढ़ रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना, स्पीड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ए। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, डीवी बाई डीटी, ये क्या दिया हुआ है, कौन सी चीज है, कौन सा एक्सेलरेशन नहीं है, बताओ। टेंशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मानते हो, बोलो। सर। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रोड और टायर के बीच का म्यू दिया हुआ है, ठीक, कोई परेशानी इसमें, हमको निकालना है स्पीड एट विच द कार विल स्किड, क्यों। अच्छा तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, अपनी बताओ कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट कैसे करें, कुछ तरीका होगा, फ्री बॉडी जैसे फ्री डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम आता, तो कौन सा व्यू लें, टॉप व्यू बॉटम व्यू, कौन सा व्यू लेते हैं, टॉप व्यू लें, सर। चलो तो टॉप व्यू लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टॉप व्यू मतलब रोड को ऊपर से देख रहे हैं, है ना, ऐसा गाड़ी है ऐसे ऐसे घूम रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकली अपवर्ड एक पॉइंट है, वहां से देख रहे हैं, चलेगा। हाँ सर। अच्छा तो ये बताओ कि एक मिनट, कि नॉर्मल जो है वो किधर लग रहा होगा सर्कल में, ये सर्कल है, लेट्स से एलिप्स बन गया ये, कोई बात नहीं। अगर गाड़ी मेरा किसी एक पॉइंट पे है, लेट्स से गाड़ी ऐसा जा रहा है, गाड़ी की स्पीड इधर है, ये गाड़ी की स्पीड है वी, वेलोसिटी गाड़ी की ऐसे टेंजेंशियल है, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, सॉरी, नॉर्मल किधर होगा, एमजी किधर होगा, सर एमजी इंटर द जी प्लेन इंटू द होगा प्लेन होगा, नॉर्मल और बाहर होगा, दोनों एमजी इंटू आउटसाइड। द प्लेन होगा, जैसे हमारा नॉर्मल देखते हैं हम लोग, है कि नहीं, और नॉर्मल जो है ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, ये ऐसे डिनोट करते हैं, बताया था ना, ठीक है। कोई भी वेक्टर इंटू द प्लेन होता है उसके क्रॉस से डिनोट करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन होता है उसको डॉट से डिनोट करते हैं, है ना, बोलो। हाँ सर। अच्छा अब बच सर गया, अब हमारे पास यहाँ पे खास बात ये है कि हमारे पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं है, हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, मानते हो, मानते हो ना, गाड़ी के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं, गाड़ी के पास दोनों एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल भी है और क्या है बताओ, टेंजेंशियल भी है। तो सम फोर्स, देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट इज प्रोवाइडिंग बोथ द एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी, क्यों बताओ, कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए ना जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी दे रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दे रहा है, कि नहीं। हाँ सर। अच्छा तो वो कौन सी फोर्स हो सकती है, क्या वो एमजी हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, क्या कैन एमजी और नॉर्मल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्सेस फॉर द सर्कुलर मोशन। हाँ या ना, आद्या बताएगी ये, सर क्यों, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में एक्ट ही नहीं हो रहा फोर्सेस। क्यों नहीं हो रहा है, कंपोनेंट जीरो आएगा, हाँ सर, समझे कि नहीं। 90 डिग्रीज पे। 90 डिग्रीज पे है, नॉर्मल एंड एमजी आर इन द वर्टिकल प्लेन, और हमारा जो हम जो देखे जो फोर्सेस चाहिए वो हमको किधर चाहिए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन में में। चाहिए ना, 90 डिग्री पे है, तो नहीं होगा। तो बचा कौन सा फोर्स, एक ही फोर्स बच रहा है हमारे पास, कौन सा फोर्स बच रहा है वो बताओ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में देयर इज ओनली वन फोर्स, विच वन, सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपिटल तो कहीं ना कहीं से आएगा, सेंट्रीपिटल खुद में एक फोर्स नहीं है, रेडियल डायरेक्शन में सब कुछ मिला जुला के होता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन द रेडियल डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स इन इटसेल्फ, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं से आना चाहिए,
तो बताओ कौन सा फोर्स बचा। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास दो तरह का एक्सेलरेशन है, एक तो सेंट्रीपिटल भी है एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही, ठीक है। तो एक तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया, दूसरा एक्सेलरेशन किधर होगा? यहाँ पे चूंकि स्पीड भी चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल भी होना चाहिए, नहीं बोलो, एक ही फोर्स बचती है, कौन सी? फ्रिक्शन। देयर इज ओनली वन फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल फोर्सेस। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट होगा वो टेंजेंशियल फोर्स देगा। दिख रहा है? एफ सी करके मैंने दिखाया और एफ सी एफ टी करके दिखाया, ये फ्रिक्शन के कॉम्पोनेंट्स है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज द रिक्वायर्ड टेंजेंशियल फोर्स। समझ में आई बात? अभी तक कुछ परेशानी है बताओ? ये मेरा फ्रिक्शन नेट है, नेट फ्रिक्शन। यहां तक किसी को कुछ परेशानी? अरे बोलो ना, नहीं बोलो तो कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? ठीक है, अच्छा नहीं। चलो अब बताओ, अब फ्रिक्शन का जो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है एफ सी, फ्रिक्शन एंगल पे लग क्यों लग रहा है? समझ में आया कि नहीं? फ्रिक्शन अगर एंगल पे नहीं लगेगा तो उसका कंपोनेंट कैसे आएगा यार? एफ टी कैसे आएगा यार? फ्रिक्शन अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में ही लगा दूं तो एफ सी बचेगा ना सिर्फ, एफ टी तो जीरो हो जाएगा, नहीं समझे? अच्छा चलो, तो अपनी बताओ फिर एफ सी की वैल्यू क्या लिखू मैं? एफ सी नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, एफ सी फ्रिक्शन का रेडियल कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो। हाँ सर। वैसे ही टेंजेंशियल बोलो, फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? m इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि कितना दिया हुआ है m a। बोलो। हाँ सर। क्यों? तो नेट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा ये बताओ? नेट फ्रिक्शन कितना होगा? अपनी बोलो, देखो डायग्राम देख के बताओ। सर वो उन दोनों का रिजल्टेंट है ना? हाँ। तो अब तो बस ऐड कर देते हैं। तो बताओ क्या होगा? तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम ए। गलत हो गया ना, 90 डिग्री पे है। कैसे ऐड कर दो यार तुम? वेक्टर्स को स्केलर जैसे ऐड कर देते हो। हाँ सॉरी सर, रूट ऑफ एम वी स्क्वायर। नोट्स नहीं पढ़े हो मतलब ढंग से? क्यों बोलो? ये लिखा है ना नेट फ्रिक्शन। अभी तक यहां तक किसी को कुछ परेशानी? फ्रिक्शन एंगल पे क्यों लग रहा है, सबको समझ में आया? हाँ सर। नेट फ्रिक्शन कैसे निकाला ये समझ में आया? कोई परेशानी किसी को? फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है। टेंजेंशियल फोर्स क्यों आ रहा है समझ में आया यहाँ पे? बोलो ना रे, टेंजेंशियल फोर्स कहाँ आया है इधर? क्यों आया टेंजेंशियल फोर्स? स्पीड चेंज हो रहा है ना इसलिए, दैट्स व्हाई। क्लियर? बोलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। चलो ओके, तो अब हमारा क्या कह रहा है इसमें कि हमने नेट फ्रिक्शन निकाल लिया, एफ नेट हमारा आ गया, मास तो कॉमन आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो तो v4 by r square plus
सॉरी ए स्क्वायर, वो पिछले वाले को सिंप्लीफाई किया है, पिछले वाला जो एक्सप्रेशन आया था ना, ये वाला आ गया, ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है बोलो। चलो अच्छा, लेकिन फ्रिक्शन की जो है, अब जैसे जैसे v बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा क्या? नेट फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा क्या? बोलो। बढ़ेगा सर, ये तो फिक्स्ड है, बट ये बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, अ टाइम कम्स व्हेन एफ नेट इज मैक्स। मैक्स कितना होता है फ्रिक्शन का, वैल्यू बताओ। म्यू एन? नहीं, नॉर्मल कितने के बराबर है? याद करो, वर्टिकल प्लेन में मोशन नहीं है, मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो नॉर्मल और एमजी बराबर होने चाहिए ना। हाँ सर। तो क्या आएगा बताओ? एफ नेट मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? म्यू टाइम्स एमजी। ठीक है बोलो। हाँ सर। अच्छा चलो, तो एक काम करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। सो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी फोर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एम एम कट गया, ये उस मोमेंट की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बताओ, जब फ्रिक्शन क्या हो चुका है? बोलो किस मोमेंट की बात हो रही है? ये उस मोमेंट की बात हो रही है जब फ्रिक्शन मेरा मैक्सिमम हो चुका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो चुका है। फ्रिक्शन हैज रीच्ड, सॉरी, फ्रिक्शन हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच कर चुका है, उस समय की स्पीड निकाल जा रहे हैं, है ना। मतलब ये जो मैंने किया फ्रिक्शन नेट इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा उस समय की स्पीड निकाल रहे हैं। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है? म्यू एम जी। तो ये म्यू एम जी यहाँ पे हम पुट कर देंगे, समझ? तो यहां से कुछ स्पीड निकल के आ रही है, वो स्पीड क्या निकल के आएगी, जरा एक मिनट एक काम करते हैं। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू वी फोर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी फोर बाय आर स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 1/4। तो ये किस टाइम की वेलोसिटी है ये बताओ। बोलो, ये जो वेलोसिटी आई हमारी, ये किस टाइम की वेलोसिटी है? मैक्सिमम फ्रिक्शन, जब हमारा फ्रिक्शन क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, उस समय की वेलोसिटी है। अब मैं वेलोसिटी अगर और बढ़ाऊं तो क्या होगा? अब मैं वेलोसिटी और बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं वेलोसिटी और बढ़ाऊंगा तो ये जो टर्म है, हाँ, क्योंकि इस ये जो गिवन वेलोसिटी है उस पर फ्रिक्शन तो मैक्सिमम हो चुका है, क्यों? If I increase the velocity further, the force required to keep the vehicle moving in circular motion
इज मोर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का तो, फ्रिक्शन तो लिमिट पे पहुंच चुका है ना, फ्रिक्शन तो अब उससे ज्यादा हो नहीं सकता. क्यों? फ्रिक्शन अपने लिमिट पे जा चुका है, फ्रिक्शन अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि अब अगर तुम स्पीड और बढ़ाओगे तो जितनी फोर्स चाहिए गाड़ी को घुमाते रहने के लिए उतनी फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर. फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज मोर एंड फ्रिक्शन अवेलेबल इज नॉट दैट मच, सो द व्हीकल विल स्किड. क्लियर? बोलो, है ना? किसी को कुछ भी परेशानी इसमें? आसान था?